F3 के थर्ड फ्लोर में एक बिल्डिंग थी सेक्टर 59 में, जिसमें हमें कल सूचना मिली थी कि इसमें एक कॉल सेंटर फर्जी चलाया जा रहा है। इस पर हमारी टीम जब वहाँ गई, इनका पूरा वेरिफिकेशन किया, तो उससे पता चला कि वास्तव में ये एक फेक कॉल सेंटर है, जो अमेरिकन नागरिक को एक फॉक कॉल भेज करके उनको ये बताते थे कि उनका खाता सीज हो गया है, और फिर खाता खोलने के नाम पर उनसे वैलेट में या बिटकॉइन में पैसा लेकर के तभी खोलते थे। तो इस तरह से फ्रॉड करते थे। सर कब से चल रहा था कॉल सेंटर ये? अभी लगभग एक महीने से ही चल रहा था, और इसमें 3 महिलाओं सहित 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसे 27 लैपटॉप, मोबाइल फोन, राउटर आदि जितना इक्विपमेंट होता है। सर एक महीना से पहले कहाँ चला रहे थे, अब तक कितनी ट्रांजैक्शन अकाउंट में देखी गई है? अभी तो ट्रांजैक्शन का हमें पता नहीं चल पाया है, चूंकि इसमें डिजिटल करेंसी में हो रहा है, इसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर अभी जो इन्होंने बताया कि इससे पहले मुंबई में कर रहे थे काम। कितने लोग गिरफ्तार हुए पूछताछ में? इससे 15 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले कितने समय से लगातार इस तरह से कॉल सेंटर काम कर रहे हैं आपको पूछताछ में? अभी तो कई सेंटर इसमें काम कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं, और हम इनका देखेंगे मुंबई से क्यों छोड़ के भागे, क्या और कोई केस रजिस्टर या कैसा है, इस बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर मास्टरमाइंड कौन था इसका? इसमें ये नीतीश राणा है जो इसका मास्टरमाइंड। सर वेरीफाई कैसे हुआ, क्या किसी ने शिकायत पत्र दिया? हाँ, इस पे हमें गोपनीय सूचना मिली थी कि साहब एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। तो सर ये अमेरिका के लोगों को ही ठगते थे या कुछ अन्य उद्देश्य? इनका जो आपस मतलब ये ज्यादातर फ्लुएंट है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश बहुत अच्छे से इंडियन इंग्लिश समझ में आ जाती है, इसलिए अमेरिकन वालों को ही करते हैं। सर इसका एक्सेंट है वो उसी से मिलता सर। 58 पुलिस को कोई इनाम की भी घोषणा थी? हाँ, इसमें 25,000 की मैम की तरफ से इनाम मिलेगा। मिल गया, बोल दिया।